आप सभी भक्तों का स्वागत सच्चे दरबार की। अरे इकोनॉमिक्स की क्लास है भाई, इकोनॉमिक्स की क्लास है। मैं वापस रात को जागरण में जाने के बाद ना आज जो है पूरा मूड जागरण वाला हो रहा है। बिल्कुल व्यष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक पढ़ाना भाई, यहीं वापस आ जाते हैं। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आया है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट को आज उठा रहे हैं, ठीक है। बार बार दिमाग में आ रहा है सच्चे दरबार की। इतना नारा लगा दिया ना कल, बस पूछो मत, मतलब मजा सा आ गया। पूरे दिन ऐसा ही रहने वाला है। आगम संप्राप्ति, बीच में ऐसा कुछ हो जाए भाई किसी को बुरा लगे, सॉरी। अब जो है रेवेन्यू आगम संप्राप्ति, ये समझना है आपको। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए फिर से मैं वही कहूँगा कि क्लासेज जो है आपके इकोनॉमिक्स की दोनों मीडियम के लिए सुटेबल क्लासेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो सूरज मालाकार जी के साथ आप बने रहिए। इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा संप्राप्ति का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। संप्राप्ति या आगम जो भी कह लीजिए, इंग्लिश में रेवेन्यू वर्ड है। सिंपल सी अगर इसकी कहानी कहूँ तो इनकम आप समझते होंगे, इनकम वर्ड। रेवेन्यू वर्ड से कई बच्चे समझ के डर जाते हैं, रेवेन्यू ऐसा लगता है जैसे किसी राक्षस का नाम हो। राक्षस वाक्षस नहीं है भाई, इसीलिए बात में बार बार कल जागरण करके आया हूँ। कई बच्चों को ना डरा देते हैं कि लगता है रेवेन्यू पता नहीं क्या वर्ड। रेवेन्यू क्या है सर? रेवेन्यू सिंपल सी कहानी, इनकम से रिलेटेड। यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं इस तरीके से, इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर्स, इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर्स, यानी कि उत्पादकों की आय को क्या नाम दिया जाता है सर? रेवेन्यू। रेवेन्यू हिंदी वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। संप्राप्ति या आगम कुछ भी लिखा हो सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की इनकम क्या होती है आप समझिए ध्यान से। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर फिर से मेंशन कर दिया है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वर्क ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, सही है। मैं बात करूंगा यहाँ पर रेवेन्यू समझाने के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, किसकी बात करूंगा मैं? गुड्स की, यानी कि कॉमोडिटी की, वस्तुओं के प्रोडक्शन उत्पादन की बात करूंगा, है ना। तो देखिए प्रोड्यूसर जो है वर्क ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। अब इस प्रोडक्शन को करके क्या अपने घर पे तो रखेंगे नहीं सर, अपने घर पे रखकर इसको खाना पीना तो सिर्फ है नहीं, अब करना क्या, उसको सेल करते हैं, है ना, सेलिंग करते हैं इसको। अब सेलिंग करने का मतलब है, सेलिंग करने से इनको कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव होता है, अमाउंट रिसीव्ड। तो ये जो अमाउंट रिसीव्ड होता है सेल का, उसे कहा जाता है रेवेन्यू। क्या कहते हैं सर? रेवेन्यू, सही है। यही है रेवेन्यू प्रोड्यूसर्स के, क्लियर है। अब ऐसा मत समझिएगा, इसका एक क्वेश्चन एकदम जनरल क्वेश्चन आपको देता हूं, इससे आप लोग को ना कई टीचर्स आपको कंफ्यूज कर देंगे। आपसे कहेंगे कि आपके पास एक पुराना सामान पड़ा हुआ है, पुराना फर्नीचर है, आपने उसे 5000 रुपीज़ का सोल्ड कर दिया, अब जो 5000 रुपया है आप कहेंगे सर दिस कॉल्ड रेवेन्यू। ये रेवेन्यू नहीं है, आगम नहीं है, क्योंकि वो आपका पर्सनल वर्क है। रेवेन्यू का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, उसका किसी ना किसी बिजनेस से रिलेशन होना चाहिए। किससे रिलेशन होना चाहिए? रिलेशन विद बिजनेस, बिजनेस के साथ रिलेशन होना चाहिए। उस वर्ड का जो रिलेशन है, रेवेन्यू का जो रिलेशन है, वो हमेशा बिजनेस के साथ, यानी कि व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है, क्लियर है। और व्यवसाय का मेन मोटो क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का? अरे बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, तो इतने इंटेलिजेंट हो गए आप लोग इतनी क्लासेस में ही, बहुत बहुत शाबाश है आप लोगों को। तो मेन मोटिव इज अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाना मेन उद्देश्य होता है किसी भी व्यवसाय को करने का। मेन उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस और प्रॉफिट के साथ जुड़ा हुआ ये इनकम वर्ड है, यानी कि रेवेन्यू वर्ड है। तो सिंपली मैं इसकी डेफिनेशन अगर दूं आपको रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू की जो डेफिनेशन होगी, देखिए, एक उत्पादक द्वारा एक निश्चित समय में किसी वस्तु के उत्पादन की एक निश्चित इकाई। निश्चित कितना यूज होता है ना मोस्टली चैप्टर में, ये जो फिक्स वर्ड है, ये जो फिक्स्ड है, इसका होना बहुत जरूरी है, डिसाइडेड होना बहुत जरूरी है। एक उत्पादक द्वारा एक निश्चित समय में किसी वस्तु के उत्पादन की एक निश्चित मात्रा, यानी कि यूनिट्स, मात्रा की बिक्री से प्राप्त राशि को क्या कहते हैं सर?
उस उत्पादक या उस वस्तु का आगम कहते हैं, समझ आ गया। उस प्रोड्यूसर के लिए वो क्या कहलाता है सर, रेवेन्यू कहलाता है। ये परफेक्टली आप ध्यान से समझ लीजिए। तो मैंने कहा एक उत्पादक द्वारा, एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादक द्वारा एक निश्चित समय में किसी वस्तु के उत्पादन की एक निश्चित मात्रा, किसी वस्तु के उत्पादन की एक निश्चित मात्रा की बिक्री से प्राप्त राशि को क्या कहते हैं सर, रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं कहूं कि अमाउंट विच इज रिसीव्ड, अमाउंट विच इज received by selling of a fixed quantity of fixed quantity or fixed units of output for a commodity of a commodity by a seller in a given period of time, this is known as revenue of the producers or for this product. समझ आ गया। तो मैंने कहा amount which is received by a producer, एक producer ने जितना amount receive किया by selling of a fixed unit or quantity of any production of a product in a given period of time, क्या कहलाएगा सर, revenue कहलाएगा। वही बात चलते हैं, मुन्ना भाई जी को ले लेते हैं। ये हैं हमारे मुन्ना भाई जी, क्लियर है। मुन्ना भाई जी बड़े स्पेशल हैं, और मुन्ना भाई जी ने क्या किया आप ध्यान से समझ लीजिए इसको, 2019 to 20 यानी कि इस ईयर में इन्होंने अपना 1 लाख यूनिट्स बनाया, 1 लाख यूनिट्स ऑफ मोबाइल प्रोड्यूस किया, समझ आ गया, 1 लाख यूनिट्स ऑफ मोबाइल। और मुन्ना भाई बड़े जबरदस्त हैं, इन्होंने जो मोबाइल बनाया उसका 100 रुपये प्राइस रखा पर मोबाइल का, 100 रुपये प्राइस पर मोबाइल। इतना सस्ता मोबाइल बनाने वाले हैं। आप लोग कह रहे होंगे सर हम तो 10-10 मोबाइल ले लेंगे, है ना, ले लेना भाई, आ जाएगा ना कोई आने वाले समय में, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो रही है, आ जाएगा कोई 100 रुपये में आपको हो सकता है मोबाइल भी दे दे, साथ में आपको रिचार्ज भी दे देगा। तो देखिए 1 लाख यूनिट्स मुन्ना भाई जी ने बना दिया, मुन्ना भाई कुछ भी कर सकते हैं। और 100 रुपये यहाँ पर जो है उसका पर यूनिट का प्राइस है, खुद से देखिए इस ईयर में उन्होंने कितना इनकम जनरेट, कितना अमाउंट रिसीव किया सर, 1 लाख × 100 ये हो गया आपके पास 10 लाख रुपये, राइट, आपके पास 3 to 5 to 7 यानी कि 2, 4 और 6 और ये हो गया आपके पास 1 लाख × 100 यानी कि ये हो गया आपके पास 1 करोड़ रुपए, राइट, 1 करोड़ रुपीस का अमाउंट हो गया आपके पास, ये जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है। 1 लाख मोबाइल है सर, यूनिट्स हैं, और 100 रुपए का एक मोबाइल बेचा गया सर, और ये हो गया आपके पास 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, यानी कि यही है आपकी रेवेन्यू, जिसे हम कहेंगे उस प्रोड्यूसर की, मुन्ना भाई के लिए क्या है ये सर, संप्राप्ति है मुन्ना भाई की, किसमें, अब ध्यान से देख लीजिए, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, मैं रेवेन्यू कैसे बता पाऊंगा, रेवेन्यू की बात कर रहा था मैं, टोटल की बात कर रहा था। तो देखिए मैंने कहा जो प्रोड्यूसर है, सिंपली अगर मैं खाली आगम की बात करता हूँ यानी कि रेवेन्यू की बात करता हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि इनकम और अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय अ सेलर बाय सेलिंग ऑफ हिज प्रोडक्शन, उसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगा, ध्यान रखना, टोटल रेवेन्यू तो उसमें भी ये डेफिनेशन वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैंने क्या ले लिया, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम ले लिया है मैंने, फिक्स यूनिट्स ले लिए हैं मैंने, राइट, और उससे जितना टोटल अमाउंट मिलेगा वो आपका टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल संप्राप्ति हो जाएगा। तो इस डेफिनेशन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि टोटल रेवेन्यू कैसे मिल रहा है आपको। यहां पर मैंने आपको ये समझाया, सिंपली आप रेवेन्यू को जब डिफाइन करना तो सिंपली लिख देना टोटल इनकम और अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाई अ सेलर यानी कि विक्रेता, या प्रोड्यूसर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, टोटल इनकम और अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाई अ सेलर बाई सेलिंग ऑफ हिज प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेवेन्यू। देखिए मैंने इसमें फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स क्वांटिटी कुछ नहीं बताया, समझ आ गया। तो मेन कॉन्सेप्ट यही समझाना था कि आप कभी भी टोटल रेवेन्यू के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, हम बात कर रहे थे रेवेन्यू की ओनली। तो रेवेन्यू क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, आपसे ये नहीं पूछा गया कि 100 यूनिट बेचकर कितना आया, या 200 यूनिट, या 500 यूनिट, या 1 यूनिट। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका प्रोडक्शन कर रहा हूँ, इस मार्कर को बेचने से मेरे पास जितना पैसा आया सर, वो क्या है, रेवेन्यू। अगर मैं इसका प्रोड्यूसर हूं, इसका मैं विक्रेता हूं, समझ आ गया, उत्पादक हूं इसका मैं, इसको बेचने से जो पैसा मेरे पास आएगा, एक यूनिट में बेचता हूं 25 रुपए का, 25 रुपए आया, दैट इज माय रेवेन्यू फॉर दिस
मार्कर, समझ आ गया। इस मार्कर का वो क्या है, रेवेन्यू है मेरे लिए। तो सिंपली मैंने कहा टोटल इनकम या अमाउंट जितना आपको मिला बाय अ सेलर प्रोड्यूसर बाय सेलिंग ऑफिस प्रोडक्शन, अपने उत्पाद को बेचकर एक उत्पादक को जितना भी अमाउंट रिसीव होता है वही अमाउंट क्या कहलाता है सर, रेवेन्यू कहलाता है। तो रेवेन्यू की बात मैं यहाँ पर यूनिट के हिसाब से भी समझा सकता हूँ और या फिर कितने भी यूनिट का। तो यहाँ समझाना था रेवेन्यू क्या होता है, तो रेवेन्यू सिंपली सी बात आप समझ गए रेवेन्यू क्या होता है। और याद रखिएगा जो रेवेन्यू है, जो संप्राप्ति है, वो कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब इसमें दिखाते नहीं है लेकिन टैक्स भी जुड़ा होता है, समझ आ गया। रेवेन्यू कैसे मिलेगा, जितनी आपकी कॉस्टिंग आई है, कॉस्टिंग में जितना प्रॉफिट आप लोग अपना ऐड करेंगे उससे मिलकर क्या मिलेगा आपको, रेवेन्यू, समझ आ गया। ये मार्कर मेरा बनकर तैयार हुआ 21 रुपए का और मैंने इसे 25 रुपए में बेचा, जिस 21 रुपए में आपका टैक्स और कॉस्टिंग सब जुड़ा हुआ है, 4 रुपए का मैंने प्रॉफिट मार्जिन रखा है उससे समझ लीजिए, या फिर 21 रुपए मान लीजिए कॉस्ट है, 1 रुपए का टैक्स है, 22 रुपए हो गया और 25 रुपए मैंने बेचा, 3 रुपए का प्रॉफिट। तो रेवेन्यू में सब कुछ शामिल है सर, लागत भी शामिल है और लाभ भी शामिल है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, समझ आ गया। तो रेवेन्यू कैसे मिलते हैं सर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये बात ध्यान रखिएगा आप। रेवेन्यू निकालने का तरीका एक और है, रेवेन्यू निकाला जा सकता है प्राइस इनटू में क्वांटिटी, समझ आ गया। मैं बात अभी केवल इस वीडियो में रेवेन्यू तक सीमित हूं, यहां टोटल रेवेन्यू कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने आपको बताया थोड़ा सा, ताकि आप इसके चक्कर में अभी मत फंस जाना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपली आपको रेवेन्यू डिफाइन करना था, एक प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को बेच के जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू है सर, दैट्स ऑल, है ना, यही है आपका रेवेन्यू, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्राइस क्या है सर, प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, उत्पादन की प्रति इकाई कीमत, उत्पादन की एक इकाई की कीमत कितनी है जो आपने सेलिंग प्राइस डिसाइड किया, सेलिंग प्राइस यहां लिख देता हूं मैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, क्लियर है। और क्वांटिटी क्या है, प्रोड्यूस्ड या फिर मैं यहां लिख देता हूं सोल्ड यूनिट्स, क्या है सर, सोल्ड यूनिट, जितने यूनिट्स आपने बेचा। सर मैंने एक यूनिट बेचा, प्राइस कितना है 25 रुपए, यानी कि 25 रुपए रेवेन्यू हो गया। दो क्वांटिटी बेची मैंने, प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 25 रुपए, 25 दुना 50 रुपए हो गया, समझ आ रहा होगा आपको। चार मार्कर मैंने बेच दिया, कितने आएंगे मेरे पास, 25 का एक मार्कर है 100 रुपए, ये क्या है सर, रेवेन्यू है, क्लियर है। अगर इसी में मैं फिक्स टाइम ऑफ पीरियड लगा दूंगा और भी चीजें मैं लगा दूंगा, फिक्स टाइम और पीरियड, फिक्स क्वांटिटी कितनी हो गई, 4 यूनिट हो गई, ये सब सारी चीजें अगर मैं लगा दूंगा वो टोटल रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट में बन जाएगा, समझ आ गया। तो फिलहाल मैंने आपको रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और इसकी नेक्स्ट वीडियो में, इसकी क्लास में हम लेकर आएंगे टोटल रेवेन्यू, फिर से आपको प्रॉपर समझाएंगे, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू सब चलेगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है फिर से जय माता दी तो बोल दो, आप तो सच में ही बोल दो जय माता की, चलो ठीक है, आवाज आ गई मेरे पास। और जो है वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, कोई डाउट हो आपके पास वो भी जरूर भेजना ताकि मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं। ओके बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे।